तेजस्वी यादव जी, यह आपका गृह जिला गोपालगंज है और वही गोपालगंज का सदर अस्पताल है और सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। लेकिन इसकी तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर में क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यानी गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया है। गंदे नाले के पानी भर जाने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम थावे रोड गोपालगंज। कई दिनों से यह पानी लगातार इसमें भरते रह रहा है। हालांकि आपके कर्मी साफ तो कर दे रहे हैं लेकिन फिर ये पानी निकल कर आ जा रहा है। ऐसे में इसका अस्थायी विकल्प नहीं बनाया जा रहा है। जरा देखिए, इसी पानी के बीच मरीज भी बैठे हुए हैं। ये गंदे नाले का पानी है, पानी से महक भी आ रहा है और मरीज इसी बीच इलाज करा रहे हैं। जो मरीज आ रहे हैं अंदर की वार्ड में, जिन्हें जाना हो रहा है, उन्हें भी इसी पानी के बीच जाना पड़ रहा है। यानी यह आपका अस्पताल खुद ही जब बीमार हो गया है तो बीमार होने वाले मरीजों को कैसे ठीक करेगा। ज़रा इस तस्वीर को देख लीजिए और अपने अधिकारियों को बताइए कि वो इसे जल्द ठीक कराएं ताकि मरीजों को परेशानी न हो। ज़रा देखिए कि किस तरह से मरीज इसी पानी के बीच जाने को मजबूर है। ये कोई पहला दिन नहीं है जब इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी लग गया है। हालांकि बारिश का भी दिन नहीं है कि ये कहा जाए कि बारिश की वजह से पानी लगा है। लगातार नाले का पानी इस अस्पताल के अंदर आ जाता है जिससे मरीजों को परेशानी होती है। खासा परेशानी तब हो जाती है जब उसमें स्मेल होने लगता है और मरीजों का रहना काल हो जाता है। ये तस्वीर गोपालगंज सदर अस्पताल के आईएसओ प्रमाणित इमरजेंसी वार्ड की है। 3 घंटा से ऊपर हो गया। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत वजह में तबीयत खराब बा। पानी लगा रहा है। अब पानी तो ला के अब बदबू महक रहा है। वार्ड में लगा था इसी में? हैं? जहाँ पर आप लोग हैं वहीं लगा है? हाँ। कितना देर से लगा है? अरे हम तो जब आए हैं तब से पानी में बरले बा। कैसे मरी जा रहा है? पानी में हेल के आते जाते हैं। कैसे? हैं? अस्पताल सफदर में चौबे है। अपने पिताजी को लेकर आए हैं दिखाने के लिए। आने जाने पे रास्ते में बहुत अस्पताल के अंदर में पानी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार लाइट चला जा रहा है। हम आ रहे हुए तो 2 घंटा हो गया। हाँ आ रहा है, साफ कर रहे हैं फिर पानी भर जा रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू है, उसी में से आ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। नाम है, हम अपनी माता जी का इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं सदर अस्पताल में। क्या दिक्कत हो रहा है? पानी लगा हुआ है, वहाँ पे आने जाने में थोड़ा सा कठिनाई है। उसी भी जाना पड़ा? हाँ वैसे ही जाना पड़ा। कब से लगा है पानी? सुबह से तो हम आए हैं तो देख रहे हैं वैसे ही लगा हुआ है। साफ नहीं कराया? एक बार साफ हुआ था, फिर पता नहीं कहाँ से जम जा रहा है। मरीज वैसे ही आ रहा है? हाँ सबको वैसे ही आ रहा है, जा रहा है। तो देखिए, मरीज के आए परिजनों को तो आपने सुन लिया कि क्या बताया उन्होंने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कई दिनों से इसमें पानी लग रहा है, साफ कराया जाता है लेकिन फिर गंदे नाली का पानी आ जाता है, मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसको लेकर गोपालगंज सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट शशि रंजन कुमार से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसे ठीक कराया जा रहा है। बरसात होने की वजह से नाला ऊपर हो गया जिससे पानी लग गया है, सुनिए। वो पीछे से एक नाला ऊंचा है जिसे वजह से पानी चला रहा है, बरसात में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन से बता रहे मरीज को लग रहा है पानी? नहीं, 3-4 दिन पहले बारिश हुआ था, ये बारिश की बाद की बात है। जब से मानसून बंद हुआ है 2-3 दिन, तो 2 दिन से बारिश नहीं हो रहा है ना, उसके लिए कार्रवाई हो रहा है हम लोग। और PAW को लिखे हुए हैं, वो चूँकि पीछे से जो नाला है उसके ठीक करवाना पड़ेगा। तो ऐसे मरीज तो फिर और मरीज हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो उसके लिए अभी फिलहाल क्या किया जाए? अभी उसको तो हम लोग तुरंत उसको सफाई करवा दे रहे हैं, जो भी पानी वहाँ लॉज हो रहा है हम लोग सफाई कर्मी के द्वारा वहाँ से पानी हटवा दिया जा रहा है। क्या कारण है सर लॉज पानी कहाँ से आ रहा है? पीछे से कोई दीवार है नाला, जो बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से नाला ऊपर हो गया है, पीछे वाला जो इस पश्चिम वाला साइड का है, और ये बिल्डिंग नीचे है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उस नाला से बारिश के दिन में ऊंचे होने से रिश्ता है वहाँ पर। ठीक कराया जा रहा है? हाँ ठीक कराया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी, अब सवाल ये है कि अगर आपके गृह जिले के अस्पताल का ये हाल है तो अन्य अस्पतालों का क्या हाल होगा?
अब इसे देख लीजिए और जल्द ठीक करा दीजिए ताकि मरीजों को इससे लाभ मिलने लगे। ऐसे में ये पानी लगना मरीजों के लिए बीमारी का घर बन सकता है, मरीज और भी बीमार हो सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।